सो है एवरी वन, वेरी वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव। होप यू ऑल आर डूइंग हेल्दी एंड हैप्पी। सो आज की वीडियो में मैं आपको कराने वाली हूँ होटल सिल्वर इन का रूम टूर, और बने रहिएगा वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को जरूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ऐसा तो हम लोग कल ही मुंबई पहुंच गए थे, लेकिन मैंने ना कल बहुत ज़्यादा लेट नाइट हम होटल पे पहुंचे, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं शूट की थी यहाँ की। और आज जब मैंने वीडियो शूट की तो यहाँ थोड़ा सा सामान हमारा फैला हुआ था, तो उसे आप इग्नोर करिएगा एंड रूम को देखिएगा कि कैसा रूम है सिल्वर इन होटल का। और 3 स्टार होटल है और उस हिसाब से अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए मैं आपको कराती हूँ सिल्वर इन होटल का रूम टूर। तो ये जो होटल है वो अंधेरी ईस्ट में है, एयरपोर्ट से बिल्कुल नज़दीक में है, ज़्यादा दूर नहीं है। और ये है होटल का एंट्रेंस। तो ये उस टाइम की बात है जब हम लोग गोवा गए हुए थे, और उस टाइम में कोरोना बहुत ज़्यादा ही अचानक से फैल गया था। जब हमने टिकट वगैरह करी थी तब उस टाइम पे नहीं था, बट जब हमारे जाने का टाइम हुआ ना तो अचानक से कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। और हमने इसके पहले कोई और होटल बुक करा था, लेकिन उस होटल में एक कोरोना पॉजिटिव मिल गया था, उसकी वजह से हमारा होटल जो है कैंसिल कर दिया था, होटल वालों ने ही कैंसिल कर दिया था। तो मैंने फिर जल्दी से तुरंत से उसी दिन सेम डे में मैंने ये वाला होटल बुक किया था। तो ये हमारा सिल्वर इन होटल जो कि बहुत ही अच्छा था, रिजनेबल प्राइस में, मतलब हमारे प्राइस के अंदर था, इसलिए और भी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। तो ये है होटल, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हम लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं, और ये कॉरिडोर जैसा कि आप देख सकते हैं। तो 604 हमारा रूम नंबर था। रूम के अंदर हम जाएंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी इस रूम में क्या क्या है। तो ये है हमारा रूम, और ये मेरे हाथ में प्रसाद है। इसके पहले हम मंदिर गए हुए थे, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने कल आते आते मैं बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, इसलिए मैंने सेम डे में वीडियो नहीं बनाई थी। तो अब भी मैंने वीडियो बनाई थी नेक्स्ट डे में। 3 स्टार होटल में जो जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो सारा कुछ था। अगर आप इस होटल को मुंबई में जा रहे हो और इस होटल में स्टे करना चाहते हो तो आप नेट पर देख सकते हो, मेक माई ट्रिप से मैंने इसको बुक करा था, वहाँ पे आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे कि वहाँ पे इस रूम में आप साइड में 2 टेबल हैं और एक बैठने के लिए भी बना हुआ था, वो ज्वाइंट था उसमें, और यहाँ पे एक छोटा सा टेबल दिया गया था डिनर करने के लिए, और एक साइड में भी टेबल और चेयर था, जैसे कि अगर आपको कुछ काम करना है, लैपटॉप वगैरह रखना है तो आप यहाँ पे रख सकते हो। जस्ट बगल में टी कैटल भी था, और इसके ऊपर एक लाइट भी लगी थी अगर आपको ज़रूरत हो रात में काम करने की, जैसे कुछ लोग आते हैं ना कि ऑफिस से कुछ लोग वर्क करने के लिए आते हैं, उन लोगों के लिए। तो ये है टी कैटल, और इसके साथ हमें 2 बॉटल पानी, 2 कप और 2 ग्लास एंड कुछ कॉफ़ी चाय, ये सारा कुछ मिला हुआ था। तो ये सारी चीज़ें मैं कहीं भी यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे ये वाली चाय बिल्कुल पसंद नहीं आती है। मुझे चाय अच्छी ही लगती है, लेकिन मैं बाहर जाके चाय पीती हूँ, पीना ज़्यादा पसंद करती हूँ, और तो फिर इसलिए ये सारी चीज़ें मैं हमेशा अपने बैग में लेके घर पे ही आती हूँ, क्योंकि कौन कौन ऐसा करता है, मैं तो करती हूँ। और वही पैसे दे रखे हैं मैंने उन सारी चीज़ों के, तो फिर लेना तो है ना। और यहाँ पे एक टेलीकॉम भी मिल जाता है आपको खाना वगैरह ऑर्डर करने के लिए, और भी कोई चीज़ अगर आप पूछना चाहते हो तो। इधर थोड़ा मेस है, और ये काफ़ी अच्छा स्पेस था साइड में, आप कुछ भी वहाँ पे रख सकते हो, बैठ सकते हो। और ये है वार्डरोब जिसके अंदर भी अच्छा स्पेस था, एक छोटा सा लॉकर भी मिला हुआ था, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप अपना कुछ कीमती सामान अगर आप यहाँ पर रखना चाहते हो रख के जा सकते हो, कुछ पैसे रखना चाहते हो। वैसे आजकल कैश लेके कौन ही घूमता है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे मैंने अपना एक स्वेटर डाला हुआ था हैंगर में, और हल्की ठंड थी ना तो इसलिए, और हल्की ठंड यहाँ पर भी थी, और जहाँ से हम आए थे वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो वहाँ से मैं एक स्वेटर पहन के निकली थी, और वही स्वेटर मैंने रखा हुआ था क्योंकि हमें नेक्स्ट डे हमें निकलना था यहाँ से, फिर वापस उसी जगह जाना था जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो इसलिए स्वेटर मैंने ऊपर ही रखा हुआ था क्योंकि पहन के जाना पड़ता या फिर बैग में रख के जाती। और ये है वॉशरूम, वॉशरूम काफ़ी अच्छा था, नीट एंड क्लीन था, फैसिलिटी अच्छी थी, ये कुछ इस टाइप का सिंक था, और जैसा जैसा मैंने मेक माई ट्रिप में देखा था
जिस मतलब कि जो भी उन लोगों ने दिखाया था वैसा वैसा ही सारा कुछ था। सो यही था आज का वीडियो, कैसा लगा आपको कमेंट में लिख के बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।